तो गाइस फाइनली मेरे चैनल पे भी यूट्यूब की तरफ से वेरिफिकेशन बैज मिल गया है, यानी कि मेरे भी चैनल के नेम के आगे राइट का टिक लग गया है। अब इस राइट के टिक को कैसे अपने चैनल पे लगाते हैं, इसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये खुद से नहीं मिलता है, इसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, सिर्फ 2 मिनट का खेल है। 2 मिनट में आप अप्लाई करके और 1 घंटे के अंदर आपको ये वेरिफिकेशन बैज मिल जाएगा। आप मोबाइल से या फिर लैपटॉप किसी से भी ये अप्लाई कर सकते हो। तो पूरा प्रोसेस बताऊंगा, सो वीडियो में बने रहना और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। तो गाइज करना क्या है, आपको अपने मोबाइल पे या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। देन गाइज आपको यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे सर्च करना है YouTube वेरिफिकेशन बैच। जैसे ही आप YouTube वेरिफिकेशन बैच गूगल पे सर्च करोगे, यहाँ पे पहला वाला जो वेबसाइट मिलेगा गूगल सपोर्ट का, इस लिंक पे क्लिक करके आपको इसे ओपन कर लेना है। तो गाइज ओपन करने के साथ ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा, जहां पे YouTube वेरिफिकेशन बैच से रिगार्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखे हैं। मैं इन टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में सबसे पहले बता देता हूं कि ये वेरिफिकेशन बैच सबको नहीं मिलता है, जिनके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए होते हैं उन्हीं को मिलता है, यानी कि मिनिमम 1 लाख सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि वेरिफिकेशन बैच मिलने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। वेरिफिकेशन बैच जैसे कि हमारे चैनल के नेम के आगे जो टिक लग जाता है, इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमारे नेम से अगर कोई दूसरा डुप्लीकेट चैनल बनाता है तो वहां पे ये वेरिफिकेशन टिक जो है हमारे चैनल को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है कि फेक चैनल कौन सा है और ओरिजिनल चैनल कौन सा है, यानी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके जो फैंस हैं या व्यूअर्स हैं, किसी को आप अपने चैनल का नेम बताते हो तो आप जाकर के मेरे चैनल को देख लो यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करते हो टेक्नोलॉजी 489 और अगर मैं यहां पे फिल्टर कर लूं अपने चैनल को, तो यहाँ चैनल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे ही चैनल के नेम से कितने सारे चैनल्स बने हुए हैं, यानी टेक्नोलॉजी 489 के बहुत सारे आपको यहाँ पे चैनल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो अगर किसी को ढूंढना होगा कि इसमें से ओरिजिनल चैनल कौन सा है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा जिस पे वेरिफिकेशन बैच है ये मेरा ओरिजिनल चैनल है, यानी कि ये मेरे से बिलोंग करता है और मेरे सब्सक्राइबर से भी पता चल जाएगा। लेकिन सब्सक्राइबर मायने नहीं रखता, ये वेरिफिकेशन बैच एक ही बार मिलेगा और जो मेन चैनल है उसी को मिलेगा। भले ही इस चैनल का 1 लाख सब्सक्राइबर बाद में पूरा हो जाए, लेकिन जब ये अप्लाई करेगा तो इसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इस नेम से एक चैनल एग्जिस्ट करता है जो कि पहले से बना हुआ है और उसने ये माइलस्टोन सबसे पहले पूरा करके ये वेरिफिकेशन बैच ले चुका है। तो इस वजह से बाकी चैनल्स बाद में कभी भी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करें, सेम नेम से होने की वजह से, डुप्लीकेट होने की वजह से उनको वेरिफिकेशन बैच नहीं मिलेगा। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि कौन सा चैनल फेक है और कौन सा ओरिजिनल है। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे वेरिफिकेशन बैच मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो चैनल्स पे आपका चैनल डिलीट नहीं होगा या फिर आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी फीचर या स्पेशल ट्रीटमेंट यूट्यूब आपको नहीं करता है कि आपने वेरिफिकेशन बैच ले लिया है तो आप कुछ भी यूट्यूब पे करोगे। तो ऐसा कोई भी फीचर जो है एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलता है वेरिफिकेशन बैच के साथ, सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है। इसके अलावा अगर आपको वेरिफिकेशन बैच मिल गया है और फिर आप दोबारा अपने चैनल का नेम चेंज करते हो तो ये वेरिफिकेशन बैच हट जाएगा, यानी कि अगर आप दोबारा से चैनल नेम चेंज करते हो तो वेरिफिकेशन बैच हटा दिया जाता है और उसके लिए फिर से आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका यूट्यूब का जो हैंडल है उसको चेंज करते हो तो वेरिफिकेशन बैच पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। तो गाइस अब आपको बताता हूँ अप्लाई कैसे करना है। सो जैसे ही आपके चैनल पे 100K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपके 100K सब्सक्राइबर नहीं हुए होंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, मेरा कोई दूसरा चैनल है जिसको मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बस आपको 2 डिटेल फिलअप करने हैं, यानी कि आपके चैनल का नेम क्या है और आपके चैनल की आईडी क्या है। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना चैनल नेम ऐड कर लिया है। चैनल आईडी के लिए आप सिंपली यहाँ नीचे चैनल आईडी ढूंढने के लिए हियर लिखा हुआ मिलेगा ब्लू कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके यूट्यूब चैनल का जो यूट्यूब स्टूडियो डैशबोर्ड होता है वहाँ पे ये लेके जाएगा और यहाँ पे आपको आपके चैनल का यूजर आईडी और चैनल आईडी देखने को मिलेगा। सो यहाँ से सिंपली कॉपी पे क्लिक करके आप चैनल आईडी को ही कॉपी करना, और चैनल आईडी को कॉपी करने के बाद सिंपली फिर से आपको इस पेज पे आ जाना है वेरिफिकेशन वाले, और यहाँ पे सिंपली आपको पेस्ट कर देना है अपनी चैनल आईडी को। देन आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ईमेल जो है सेंड कर दिया गया है यूट्यूब की टीम को, और वो आपकी जो यूट्यूब की टीम है आपके चैनल को एक तरीके से एनालाइज करेगी, देखेगी, रिव्यू करेगी, और विद इन एन आवर जो मैंने अपने मेन चैनल को अप्लाई किया था वो 1 घंटे के अंदर ही मेरे को मिल गया था। तो गाइज आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ आया कि आप कैसे जो है अपने चैनल पे वेरिफिकेशन बैच ले सकते हैं। तो गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।